हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते बेरोजगारी के कारण युवाओं का रुझान अब व्यवसाय की ओर बढ़ने लगा है और जगह जगह दुकानें बनने लगी हैं, जगह जगह व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में बड़े बड़े भवन बनने लगे हैं। लेकिन ऐसे में जो नए व्यवसायी हैं, जो बिल्कुल पूर्व से व्यवसाय करने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाए थे, मजबूरी बस व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो कम से कम उनको कुछ सावधानियों को बरतना जरूरी है, कुछ सावधानियों को अपनाना जरूरी है, कुछ सावधानियों पर ध्यान देना उनका जरूरी है। जैसे कि आपको मकान मिल जाएंगे जिसमें आप अपना व्यवसाय चलाएंगे, लेकिन स्थल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी व्यवसाय के लिए कौन सा स्थल अनुकूल है और कौन सा अनुकूल नहीं है, ये जांच परख लेना। आप पूंजी लगा सकते हैं, आपको कमरे भी मिल गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ का जो स्थल है उस अमुक व्यवसाय के लिए उपयुक्त है भी या नहीं, ये सबसे पहले आप सोच लें। इसके अंतर्गत ये देखना होता है कि जो ग्राहक हमारे होंगे वो कितने मात्रा में उपलब्ध होंगे, कहाँ से वो ग्राहक आएंगे और क्यों आएंगे, ये सब कुछ पहले से ही आप सोच लें। क्योंकि पूंजी तो आप लगा देंगे, प्रतिष्ठान का जो एक किराया होगा, आपका व्यवसाय का जो कमरा होगा उसका जो किराया होगा वो तो आप भुगतान करेंगे ही करेंगे, लेकिन ग्राहक महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ग्राहक कहाँ से आएंगे, कितनी दूरी से आएंगे और ग्राहकों को क्या लाभ होगा जिसके वजह से वो आएंगे, इन सब बातों पर आप गौर कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा अपरिचित ग्राहक आपको मिलेंगे, आपके व्यवसाय में जितने अपरिचित ग्राहकों की सहभागिता होगी, आपके व्यवसाय के टिकाऊ होने के और लाभप्रद होने के उतने ही चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके ग्राहक मैक्सिमम परिचित हैं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं, तो ये भी आप देख लें। इसके अलावे ये देखना है आपको कि जो सामग्री आप बेच रहे हैं या जो सामग्री आप विक्रय के लिए लाए हैं, उन सामग्री को क्रय करने के लिए कितनी तत्परता है ग्राहकों के अंदर, उनकी कितनी ज़रूरत की वो सामग्री है, क्या उन सामग्रियों के प्रति उनका रुझान बनेगा, और वो तब जबकि आप उनके निकट में व्यवसाय कर रहे हैं, तो महंगी वस्तुएं लोग बड़े बाज़ारों से ख़रीदना पसंद करते हैं, नए खुले दुकानों से वो ख़रीदना पसंद नहीं करते। तो जो महंगी चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, उन चीज़ों का व्यवसाय अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं तो संभावना थोड़ी आपके लिए तकलीफदायी बनती है। तो नए जो भी युवा व्यवसाय की ओर जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले उस व्यवसाय से संबंधित थोड़ी जानकारी पूर्व से उस व्यवसाय में लगे वैसे ही स्थल पर स्थापित प्रतिष्ठानों के मालिक के साथ, संचालक के साथ मिलकर जान लें पहले कि क्या कुछ तकलीफ झेलने पड़ते हैं, क्या कुछ करने पड़ते हैं, क्या सावधानी है, ये सब कुछ कुछ ना कुछ जानकारी उनसे मिल जाएगी और उसके आधार पर आप अपने पूंजी को लगाएं और अपने लिए निर्णय लें। अन्यथा पूंजी लग जाने के बाद नुकसान जो होगा उसकी भरपाई संभव नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, मजबूरी है आपकी कि आप व्यवसाय की ओर जाएंगे, मजबूरी है आपकी कि आप को रोज़गार के अवसर की कमी के कारण व्यवसाय की ओर जाना पड़ रहा है, और ऐसे में जानकारी अर्जित कर जाना ज़्यादा लाभप्रद आपके लिए होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि ये भी आसान क्षेत्र नहीं है, यहाँ भी बहुत सारे
गुणों को सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे टेक्निक यहाँ पर लगाने होते हैं, बहुत सारे नए व्यवहार सीखने होते हैं, तब जाकर बिजनेस में धीरे धीरे कर सफलता मिलती है। तो बिजनेस करने के पूर्व, पूंजी लगाने के पूर्व आप इसकी तैयारी कर लें, और पहले से जो इस व्यवसाय में लगे हैं महीने दो महीने, उनके साथ बैठकर उनके कारनामे को, उनके कृत्यों को, उनके करने के ढंग को देखकर सीखें, और तब पक्का पक्का निर्णय लें। उम्मीद है सफलता आपके हाथ लगेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।